अस्सलाम असलम केटेड वीकली रिकाप के साथ मैं हूं अशान इस हफ्ते की मार्केट को देखा जाए तो मार्केट ने एक सॉर्ट ऑफ रेंज बाउंड एक्टिविटी दिखाई थ्रू आउट द वीक हम ये देख सकते हैं कि मंडे से वेंसडे तक मार्केट ने एक पॉजिटिव मोमेंटम अपना मेंटेन करके रखा मार्केट तकरीबन ऐटी फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड का हाई बना रही थी टुवर्ड्स वेंसडे बट बाई थर्सडे हमने ये देखा कि मार्केट ने एक नेगेटिव सेंटिमेंट या एक करेक्शन लेवल अपना दिखाना शुरू कर दिया मार्केट का जो लोएस्ट लेवल था इस हफ्ते वो एटी फाइव थाउजेंड थ्री हंड्रेड का था और नेक्स्ट वीक की मार्केट के लिए हम ये देख सकते हैं कि मार्केट एक करेक्टिव मोड में ही रहेगी इधर तो करेक्शन की तरफ रहेगी या रेंज बाउंड रहेगी वन ऑफ द रीजंस बीइंग बींग पाकिस्तान के अंदर जो एक पॉलिटिकल टर्मोइल स्लाइड बना हुआ है उसकी वजह से इन्वेस्टर्स थोड़े से बैकफुट पे हैं मार्केट में बहुत ज़्यादा एक पोजिशन टेकिंग नहीं नज़र आ रही इसके अलावा अगले हफ़्ते रोल ओवर वीक भी है जिसकी वजह से हम फर्दर एक डाउन ट्रेंड देख सकते हैं न्यूज़ साइट पे देखें तो इस हफ्ते पाकिस्तान ने एस मीटिंग होस्ट की विच वाज अ लॉन्ग टाइम कमिंग बिकॉज लास्ट जो एस मीटिंग थी वो 1997 में कंडक्ट की गई थी और इसमें चाइना के साथ काफ़ी वेरियस इनिशिएटिव्स लिए गए एम साइन किए गए टू बेनिफिट मल्टीपल सेक्टर्स इन पाकिस्तान इसके अलावा हमने ये भी देखा कि सऊदी एंड मलेशिया की डेलीगेशन भी पाकिस्तान आई और इनके साथ भी मल्टीपल एम साइन किए गए टू बेनिफिट वेरियस सेक्टर्स आई के हवाले से हमने इस हफ़्ते न्यूज़ देखी जिसमें पाँच आई जिसमें हप पावर एंड लालपीर जो कि लिस्टेड कंपनीज़ में इंक्लूडेड हैं उनकी तरफ हमने देखा कि उनके जो टर्मिनेशन नोटिस हैं वो फाइनलाइजेशन प्रोसेस की तरफ जा चुके हैं एंड गवर्नमेंट ने इन तमाम पाँच आई के लिए सेवनटी टू बिलियन रुपीज़ तक के कैपेसिटी चार्जेस प्रामिस किए इस हफ़्ते हमने रिज़र्व के हवाले से भी एक पॉजिटिव न्यूज़ ये देखी कि सिक्सटीन बिलियन डॉलर से जो हमारे रिज़र्व हैं वो क्रॉस हो चुके हैं विच इज़ अ हाई सिंस द लास्ट टू एंड हाफ ईयर्स लास्टली फोर्थ नवंबर को मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट है जिसमें यही एक एक्सपेक्टेशन रखी जा रही है कि इंटरेस्ट रेट के अंदर फर्दर कट लाया जाएगा जो मार्केट कंसेंसस बना हुआ है वो तकरीबन टू से टू पॉइंट फाइव परसेंट तक का बना हुआ है विच इज़ अ गुड थिंग क्योंकि हम ऑलरेडी देख रहे हैं मार्केट में जो स्पेशली सेक्निकल सेक्टर है उसकी तरफ एक इन्वेस्टर सेंटिमेंट पॉजिटिव साइड पर बनता हुआ देख रहा है एंड आफ्टर दिस न्यूज़ यही लग रहा है कि गोइंग फॉर्वर्ड भी ये जो मोमेंटम है पॉजिटिव मोमेंटम सस्टेन रहेगा और फर्दर इम्प्रूव होता रहेगा नेक्स्ट वीक का आउटलुक देखा जाए तो यही एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि रेंज बाउंड टू नेगेटिव मार्केट एक सेंटीमेंट बना सकती है वन ऑफ द रीजन बींग एक तो रोल ओवर वीक है जिसकी वजह से हम ये देख सकते हैं कि आइडर तो वॉल्यूम सब रहेंगे या मोस्टली मार्केट एक करेक्शन सेंटिमेंट में ज्यादा नजर आएगी ऑन द अदर हैंड हम ये भी देख सकते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट कट की वजह से जो सेक्लिकल्स के अंदर पॉजिटिव मोमेंटम आएगा वो इस नेगेटिव सेंटीमेंट को स्लाइट बेसिस के ऊपर ऑफसेट भी कर सकता है इन्वेस्टर्स को नेक्स्ट वीक के लिए यही रिकमेंड किया जाएगा कि अपनी पोजिशन को क्लोजली वॉचआउट करें जहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग है वहाँ करनी चाहिए फॉर नाउ रीज़न ऑलरेडी मार्केट अपने काफ़ी ज़्यादा हाई uh, लेवल पे है एंड एक करेक्शन वे आर एक्सपेक्टिंग समवेयर अराउंड थाउजेंड टू टू थाउजेंड पॉइंट्स मार्केट को एक लो लेवल से ऊपर ला सकती है तो जिनके कैश फ्री होंगे वो न्यू मंथ के अंदर न्यू कैश के साथ अपनी न्यू पोजिशन बना सकते हैं थैंक यू